नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स के सेकंड जो कंपोनेंट मेन कंपोनेंट्स था पावर प्लांट उसके बारे में। तो बेसिकली जो व्हीकल्स में लगे हुआ पावर प्लांट होता है वो उसका इंजन ही होता है जो कि पावर प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इंजन के बारे में। तो इंजन के बारे में आपको पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी अनोखे इतिहास के बारे में, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको इसके इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको इसकी वर्किंग, और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसके टाइप्स और इसके यूजेस। तो ये सब बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में, तो मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इंजन की बात करें तो इसके तीन कंडीशन होती है जिसको फॉलो करने पर कोई भी डिवाइस इंजन कहलाती है। पहली तो इसकी पहली कंडीशन होती है कि जो ये डिवाइस होती है इसके अंदर लगे हुए जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में रिलेटिवली मोशन करने चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि जो एक फॉर्म की एनर्जी है उसको अदर फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सके ऐसी डिवाइस। और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है कि हमें जो वर्क करना है वो डिजायरेबल वर्क डन हमें प्रोड्यूस करा देते। तो ये तीन कंडीशन जो फॉलो करता है वो हमारा इंजन कहलाता है। इंजन बहुत ही टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली मैं आज आपको ऑटोमोबाइल के इंजन के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसके इतिहास के बारे में, अनोखे इतिहास के बारे में। तो इसके अनोखा इतिहास जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2000 साल पहले। तो चलते हैं। तो 2000 साल पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था द हीरो अलेक्जेंडर। इन्होंने एक मेटालिक बॉल ली, उसके दोनों साइड में दो ट्यूब कनेक्ट की और उसके अंदर वाटर को फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद उसको इस तरह अरेंज किया कि उसमें नीचे से हीट दी जा सके। हीट देने के कारण जो बॉल के अंदर वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और बॉल घूमने लगी। तो ये था पहला स्टीम इंजन 1712 की। इसमें एक नए साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था न्यू कॉलमन। इन्होंने एक नया इंजन प्रोड्यूस किया जो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक तरीके का रेसिप्रोकेटिंग पंप था जो कि वाटर को बाहर निकालने या वाटर निकालने का कार्य किया करता था। उसी के साथ धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ और एक नए साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जेम्स फोर्ड, जिन्होंने फिर इसमें गवर्नर को अटैच कर दिया, उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। उसके बाद फिर 1800 तक आते आते एक नए साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉर्ज क्लोरन। इन्होंने इस इंजन में एक मॉडिफाइड गवर्नर को ऐड कर दिया जिसके कारण इस इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई। उसके बाद 1860 में एक नए रॉबर्ट स्टर्लिंग ने एक नए तरीके का इंजन तैयार किया जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस पे वर्किंग किया जाता था और इस इंजन का नाम था स्टर्लिंग इंजन। उसके बाद 1878 में टू स्ट्रोक इंजन का इन्वेंस हुआ जिसका इन्वेंशन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था सर डुकार्ड क्लर्क, जिन्होंने टू स्ट्रोक इंजन का इन्वेंशन किया। उसके बाद 1881 में इस टू स्ट्रोक इंजन को पेटेंट किया गया। उसके बाद 1885 में कार्ल बेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने एक फोर स्ट्रोक इंजन का इन्वेंशन किया और इसी के साथ उन्होंने एक वैगन को लॉन्च किया जिसमें तीन टायर्स थे और हैंडल स्टीयरिंग की जगह एक हैंडल था, ठीक है। और ये यहीं से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और ये फर्स्ट व्हीकल कहलाई जाती है। उसके बाद 1890 में फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का इन्वेंशन हुआ जिसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ डीजल, जो कि एक अच्छा इन्वेंशन था। उसके बाद 1926 तक आते हमारे पास रोटरी इंजन भी इन्वेंट किए जा चुके थे जिसमें बंकलन इंजन एक रोटरी इंजन था। अब बात करें हम ऑटोमोबाइल में जो इंजन यूज होते हैं उसकी डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इसकी छोटी सी परिभाषा की। तो इसमें इंजन किसी भी व्हीकल्स की वो डिवाइस होती है जो कि एक फॉर्म की एनर्जी को अदर फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इंजन के अंदर कंबशन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण जो एनर्जी जनरेट होती है जिसके कारण पिस्टन मूव करता है और रोटेटिंग एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, क्या कहलाता है, इंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इंजन कहलाते हैं। अब बात करें इंजन में यूज होने वाले कंपोनेंट की, क्योंकि इंजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, उसके कंपोनेंट चाहिए होंगे।
तो बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है क्रैंकशाफ्ट, दूसरा होता है इसमें कैमशाफ्ट, तीसरा जो थर्ड कंपोनेंट होता है इसमें वो होता है कनेक्टिंग रॉड, फोर्थ होता है इसमें गजन पिन, फिफ्थ होता है इसमें क्रैंक पिन, सिक्स्थ होता है इसमें क्रैंक केस, सेवन्थ होता है इसमें सिलेंडर हेड, एट्थ होता है इसमें इंजन फास्टनर्स या फिर इंजन फास्टनर्स जो नट बोल्ट्स वगैरह बोलते हैं आप, उसके बाद होता है इंजन बेल्ट या फिर चेन्स टाइमिंग चेन्स, उसके बाद होता है इसमें इंजन ऑयलिंग सिस्टम, उसके बाद होता है इंजन वाल्व्स, ये होती है इंटैक्ट वाल्व और आउटलेट वाल्व, इसके बाद आता है इसमें इंजन ब्रैकेट्स, उसके बाद आता है इंजन पुली, उसके बाद आता है इसमें इंजन, उसके बाद आता है इसमें इंजन माउंटिंग्स, उसके बाद आता है इसमें पिस्टन, उसके बाद आता है फ्लाई व्हील और आते हैं इसमें, इसके बाद आता है इसमें रोकर आर्म, उसके बाद ऑयल पंप और इसमें आता है फ्यूल पंप, अल्टरनेटर, उसके बाद आता है इसमें स्टार्टर मोटर और आता है इसमें स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में जो स्पार्क प्लग में आपने देखा होगा आपके आगे जो गैप होता है 0.99 से लेके 1.8 तक का होता है और जो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो होती है इसमें 12,000 वोल्ट से लेके 25,000 वोल्ट तक। उसके बाद इसमें आता है इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर जो कि डीजल इंजन में यूज होता है और फिर इग्निशन कॉइल जो कि करंट प्रोड्यूस करती है, उसके बाद कीज जो कि होती है वुडरफ कीज होगी और भी तरीके की स्पेयर की होगी ये सब साफ्ट वगैरह में लगने के। उसके बाद आती है इसमें गियर ट्रेन्स, सर्कलिप जो कि छोटी होती है किसी को होल्ड करने का काम आती है, रोकने का काम आती है। उसके बाद इसमें होता है गैस्किट जो कि लीकेज को बचाने के लिए इसमें गैस्किट यूज की जाती है, उसके बाद बेयरिंग और रबर सील। तो ये तो हो गए इसके कुछ कंपोनेंट्स। तो अब बात करते हैं इंजन के टाइप्स की। तो इसमें पहले आते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरे आते हैं इसमें एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो इंजन होते हैं जिनके अंदर फ्यूल को बाहरी बर्न किया जाता है, बाहरी जलाया जाता है, और इंटरनल कंबशन इंजन वो होते हैं जिसमें फ्यूल को इंजन के अंदर ही जलाया जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको ऑटोमोबाइल के बारे में जो जिसमें की ज्यादातर यूज होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो अभी कई टाइप से डिवाइड है, मेनली जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो 41 टाइप बताने वाला हूँ। तो इसमें जो पहले टाइप होते हैं वो होते हैं डिजाइन के अनुसार। इसमें जो पहला टाइप है उसका वो होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, दूसरा होता है रोटरी इंजन। अगर हम इसके फ्यूल यूज की बात करें तो इसमें पहला इंजन होता है पेट्रोल इंजन, दूसरा होता है गैस इंजन, तीसरा होता है डीजल इंजन। अगर हम बात करें इसकी साइकिल्स के बारे में तो इसमें पहली साइकिल होती है जिसमें ऑटो साइकिल, दूसरी होती है इसमें डीजल साइकिल और तीसरी होती है ड्यूअल साइकिल जो कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का कॉम्बिनेशन होता है एक तरीके से। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्ट्रोक की तो ये दो टाइप के इंजन होते हैं जिसमें पहला होता है 4 स्ट्रोक, दूसरा होता है 2 स्ट्रोक। अगर हम बात करें टाइप ऑफ इग्निशन की तो इसमें होता है स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन और दूसरा होता है कंप्रेस इग्निशन इंजन। ठीक है, कंप्रेस इग्निशन इंजन में हम स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते, इसमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है जो कि कंप्रेस्ड एयर में फ्यूल को स्प्रे करके हीट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण पिस्टन मूव करता है। अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ सिलेंडर की तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है सिंगल सिलेंडर, दूसरा होता है डुअल सिलेंडर और थर्ड होता है इसमें मल्टीपल सिलेंडर। अब बात करते हैं सिलेंडर के अरेंजमेंट के ऊपर तो ये भी बेसिकली वर्टिकल इंजन होते हैं अरेंजमेंट के अनुसार, हॉरिजॉन्टल इंजन होते हैं, रेडियल इंजन होते हैं, वी इंजन होते हैं, डब्ल्यू इंजन होते हैं, डब्ल्यू टाइप से अरेंजमेंट और अपोजिट साइड इंजन होते हैं। तो ये तो हो गए उसके इंजन के अरेंजमेंट के अनुसार। अगर हम वाल्व के अनुसार बात करें तो ये होता है आई वाल्व्स, एल हेड इंजन, आई हेड इंजन और एफ हेड इंजन जो कि आई हेड और एल हेड का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद लास्ट में टी हेड इंजन। ठीक है, अगर हम करें इसकी कूलिंग के अनुसार तो ये एक तरीके से होता है एयर कूल्ड इंजन जिसमें बने होते हैं फिन्स और दूसरा होता है वाटर कूल जिसमें लगा होता है रेडिएटर। ज्यादातर हैवी व्हीकल्स में रेडिएटर का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्पीड के बारे में तो लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन, तो ये 3 टाइप्स के हो गए। अगर हम इसके एप्लीकेशन के ऊपर बात करें तो ये भी स्टेटरी इंजन,
जो कि चल नहीं सकते, एक ही जगह पर यूज होते हैं। दूसरा होता है ऑटोमोटिव इंजन, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते हैं। थर्ड होता है इसमें लोकोमोटिव इंजन, जो कि रेल्स वगैरह में यूज होते हैं। और फोर्थ होता है इसमें मरीन इंजन। उसके बाद होता है एयरक्राफ्ट इंजन। तो ये तो बेसिकली इंजन हो गए। और एक नई तरीके का इंजन भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड इंजन, जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर और मैकेनिकल इंजन से कनेक्टिंग करके एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और इसको यूज किया जाता है। तो ये इंजन जो होता है हाइब्रिड इंजन। तो अब बात करते हैं हम इसकी वर्किंग के बारे में। तो इसके लिए मैंने लिया है एक 4-स्ट्रोक इंजन, जो कि पेट्रोल वाला इंजन लिया है। 4-स्ट्रोक डीजल वाला भी इंजन होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल के समझाने के लिए एक पेट्रोल इंजन लिया है, 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लिया है। तो इसमें 2 वाल्व होते हैं और 4 स्ट्रोक होते हैं। एक इंटैक वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है। 4-स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। तो पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारी इंजन की क्रैंक शाफ्ट होती है वो 180 डिग्री रोटेट करती है और इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। इनलेट वाल्व ओपन होने के कारण जो हमारा कार्बोरेटर से प्राप्त जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, ये किस रेशो में मिक्सचर होता है? तो होता है 14:7:1 में, या फिर आप कह सकते हैं 15:1 में। किसी किसी बुक्स में आपकी 15:1 लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ 14:7:1। इसको हम लेते हैं पाउंड्स में। तो जब ये मिक्सर इनलेट वाल्व से सक्शन वाले स्ट्रोक में सिलेंडर इंजन के सिलेंडर में एंटर करता है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें कि जो क्रैंक शाफ्ट है वो अगला 180 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करती है और पिस्टन BDC से TDC की ओर जाता है। TDC पे जाने के बाद जो इसका तीसरा एयर जो उसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है और उसके बाद थर्ड जो स्ट्रोक इसमें यूज होता है, जिसमें कि जो स्पार्क प्लग इंजन में लगा होता है उससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क प्रोड्यूस होने के कारण फ्यूल बर्न होने लगता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है।